Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Lift Up Classes. आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स. कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि वेयर टू यूज समटाइम, समटाइम्स एंड समटाइम. कहाँ यूज करें हम इन वर्ड्स को. आइए देखिए, समटाइम समटाइम ये जो वर्ड है इसके बीच में मैंने कोई गैप नहीं दिया है, ये एक ही वर्ड है. और इसका मीनिंग क्या होगा, एट सम पॉइंट. एट सम पॉइंट मतलब किसी दिन, किसी समय, कभी, इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं. विजिट अस समटाइम, कभी हमसे भी मिलना या कभी हमारे भी घर आना, उसके लिए हम क्या देते हैं, विजिट अस सम टाइम. तो हमने यहाँ पर सम टाइम को एक साथ यूज किया. देन लेट्स गो फॉर अ मूवी सम टाइम, चलो किसी दिन मूवी देखने चलते हैं. तो यहाँ किसी दिन के लिए हमने सम टाइम को यूज कर दिया. तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ये सम टाइम है विदाउट गैप है और इसका मीनिंग है एट सम पॉइंट. इसके बाद देखिए सम टाइम, बट सम और टाइम दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, अलग अलग यूज हो रहे हैं, इनके बीच में गैप है. अब इनका मीनिंग क्या होगा, अ पीरियड ऑफ टाइम. सम टाइम आपको शो करेगा अ पीरियड ऑफ टाइम. अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच सेंस, कि जो टाइम है वो लंबा समय है या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सम टाइम को यूज करेंगे. ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि वो सम टाइम को कोई लंबे समय के लिए यूज कर रहा है या फिर शॉर्ट टाइम के लिए यूज कर रहा है. प्लीज गिव मी सम टाइम, प्लीज मुझे कुछ समय दो. तो कुछ समय के लिए यहाँ पर कुछ समय हमने एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात की. इट विल टेक सम टाइम, इसमें लंबा समय लगेगा. यहाँ सपोज मैंने कहा इसमें लंबा समय लगेगा, आप यूं भी कह सकते हैं इट विल टेक सम टाइम, इसमें थोड़ा समय लगेगा. यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप सम टाइम को यूज करेंगे. अब हम बात करते हैं सम टाइम्स की. अब इसके साथ क्या है, एस लगा हुआ है. सम टाइम्स को आप कब यूज करेंगे, ये यूज होता है ओकेजनली, जैसे आप कह दें कभी कभी हम ये काम करते हैं. तो कभी कभी का मतलब आप ओकेजनली करते हो उस काम को. तो एक तरीके से समटाइम्स जो है हमारा ओकेजनली का सिनोनिम के रूप में काम करता है. समटाइम्स आई फील लोनली, कभी कभी मैं बड़ा लोनली फील करती हूँ, अकेला फील करती हूँ. तो यहाँ पर आपने समटाइम्स कभी कभी के लिए यूज किया है. समटाइम्स यू गेट लेट, कभी कभी आप लेट हो जाते हो. अब देखिए ऐसा नहीं है कि समटाइम्स हम हमेशा स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे. यू गेट लेट समटाइम्स, आप इस समटाइम्स को एंड में भी यूज कर सकते हो. कोई ऐसा पर्टिकुलर वे नहीं है कि समटाइम्स हमारा स्टार्टिंग में ही यूज होगा. तो गाइज हम लोगों ने किन थ्री वर्ड्स की बात की, समटाइम, समटाइम एंड समटाइम्स. समटाइम जिसमें गैप नहीं है वो एट सम पॉइंट के लिए, और उसके बाद समटाइम जिसमें गैप है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और समटाइम्स आपका ओकेजनली. ठीक है, ये था हमारा इन वर्ड्स में डिफरेंस. नेक्स्ट वीडियोस में और बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपके लिए लेकर आएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. चल कोई नहीं, देखिए क्या है स्टेटस.